हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यमी टमी। और आज हम बनाएंगे लखनऊ की एक फेमस मिठाई जिसे आप इस रक्षाबंधन अपने भाई और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे शाही टुकड़े। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाना है इसे। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका आपको किस तरीके से किनारा अलग करना है। तो आप एक तेज नाइफ लेके इस तरीके से किनारे काट कर अलग कर दीजिए। और ये जो हम किनारा अलग करेंगे इसे आपको फेंकना नहीं है, हम इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जिसका मैं आपको एक वीडियो डालूंगी, आप देखिएगा उसे। तो इसी तरीके से हम अपने सारे ब्रेड्स को कट करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड के सारे स्लाइसेस के किनारे काट लिए हैं और ये सारा किनारा हमने एक तरफ रखा है। तो इसका यूज मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरीके से कट करेंगे। तो मैं इसे ट्रायंगल के शेप में कट करके लूंगी। और एक टिप है फ्रेंड्स कि जब भी आप ब्रेड यूज करें शाही टुकड़े के लिए, तो आप एक दिन या दो दिन पुरानी ब्रेड फ्रिज में रख कर फिर उसका इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड स्लाइसेस के पीसेस कट करके रख लेंगे। तो मैंने ले लिया एक नॉनस्टिक पैन और एक टेबल स्पून के करीब मैंने देसी घी लिया है। आप इन ब्रेड्स को चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर आप इस तरीके से रोस्ट करिए, इससे घी और रिफाइंड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी कम लगेगा और ये हेल्दी भी बनेंगे। कुछ ब्रेड के स्लाइसेस इस तरीके से घी के साथ हम रोस्ट होने देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे और हमें मेक श्योर करना है कि ये हर तरफ से अच्छे से घी से और हीट के ऊपर रोस्ट हो जाए। तो आप फ्लेम को मीडियम रखिए या लो रखिए, हाई मत करिए। तो ये देखिए, पहले वाले ब्रेड के स्लाइसेस हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे अब। तो ये देखिए, मैंने सारे स्लाइसेस ब्रेड के ऐड कर लिए हैं और एक तरफ से ये थोड़ा सा गोल्डन भी होने लग गया है। तो अब हम इसे टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ से ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, तो हम सबको पलट लेंगे। तो ये अब दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो हम गैस बंद करके इन सबको डिश आउट कर लेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम चीनी ली है। और हमने 100 ग्राम चीनी ली थी, तो उसके लिए हम लगभग 100 ml ही पानी ले लेंगे। और फ्लेम को फुल करके हमें चीनी के घुलने तक इस शुगर सिरप को पकाना है। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसमें बॉयल भी आ गया है। तो हमें जो है वो चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर लेंगे थोड़े से इलायची के पाउडर। तो बस अभी हमें चाशनी को 2 मिनट पकाना है, जिससे ये गाढ़ी चाशनी बन जाए लेकिन इसमें कोई तार ना बने। ये देखिए, चाशनी अच्छे से खोल रही है और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो आप इस तरीके से देखिए, ये चाशनी आपको दिखेगी कि आपके स्पैचुला में किस तरीके से रुक रही है। तो यही पहचान है इस चाशनी की। और मैं आपको अभी इसमें दिखाती हूँ चेक करके। तो आप इस तरीके से देखिए, हाथ के बीच में रख के देखिए, इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है। तो चाशनी हमारा बिल्कुल तैयार है। हम फ्लेम को कर लेंगे बंद और अपनी चाशनी को थोड़ा सा हिलाते हुए नॉर्मल कर लेंगे। देखिए, चाशनी अच्छे से नॉर्मल हो चुकी है। अब हम ये अपने ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने फ्राई करके रोस्ट करके रखे हैं, उसे हम इसमें अच्छे से प्लेस कर देंगे। और आप इसे एक एक करके आराम से चाशनी में प्लेस कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस एक तरफ से सोक कर लिए हैं और अब इसके टर्न साइड को हम टर्न कर लेंगे, यानी पलट देंगे इसे। हमें इसमें बहुत सारी चाशनी नहीं घुसानी है, तो हम इसे बस 1 मिनट तक एक तरफ से और फिर पलट कर दूसरी तरफ से चाशनी में रख कर इसे सबको एक तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने अपने सभी ब्रेड स्लाइसेस को सोक करके अच्छे से निकाल लिया है शुगर सिरप से। देखिए, उसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस अपने तैयार कर लिए हैं और अब हमारी चाशनी भी पूरी खत्म हो चुकी है। इससे हम ब्रेड की मिठाई भी कह सकते हैं और इस तरीके से भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ब्रेड की मिठाई को शाही बनाता है हमारे रबड़ी, जिसकी रेसिपी अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो पहले हमें 1 लीटर दूध ले लेना है
और इसे हम अच्छे से खौलाते हुए गर्म कर लेंगे। अभी दूध में बॉयल नहीं आया है, तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम 15 से 20 मिनट इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और इसे हमें दूध को थोड़ा सा सुखा लेना है। तो मैं आपको 15 से 20 मिनट इसे पकाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट इसे पका लिया है मैंने और ये काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और लगभग 15 मिनट पकाना होगा ताकि ये हाफ तक और रिड्यूस हो जाए। तो ये देखिए मिल्क हमारा काफी रिड्यूस हो चुका है, इसमें इस तरीके की मलाई बनने लग गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून शुगर, 1, 2। थोड़े देर शुगर को मेल्ट करने या घुलने तक हम इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, क्योंकि अभी ये जिस स्टेज पर है यहाँ से ये दूध नीचे तलवे में लगना शुरू हो जाएगा। तो आप अभी इसे चलाते हुए पका लीजिए जब तक चीनी घुल ना जाए अच्छे से। तो अब दूध में हमारे शुगर अच्छे से घुल चुकी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची के बीज जो मैंने क्रश करके ले लिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ केसर के धागे 10 से 12, और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसे अच्छे से चलाते हुए थोड़ा पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी रबड़ी जो है वो अच्छे से गाढ़ी होके तैयार हो गई है। अब बस हमें अपने फ्लेम को बंद कर लेना है और इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसे सर्व कर लेंगे। तो मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने रोस्ट करके घी के अंदर रखा था, उसे मैंने ऐड कर लिया अपनी रबड़ी में और इसे अच्छा सा एक मिक्स देंगे और फ्लेम को बंद करके रबड़ी को अब उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है और कितनी डिलीशियस लग रही है ये। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी यम्मी और टेस्टी रबड़ी बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए मैंने अपने ब्रेड के स्लाइसेस को अरेंज कर लिया है और ये मेरी रबड़ी भी तैयार है। तो बस अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे गार्निश करिए। देखा आपने कितने आसानी से और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बनती है ये मिठाई। आप बनाइए इसे, एंजॉय करिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि कैसी लगी आपको इसकी रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय।